आपका अपना न्यूज़ चैनल हर खबर पर रखते हैं पहली नज़र। खबरें हमारी, फैसला आपका। आपका अपना आसिफ बेबाक सच न्यूज़ चैनल। मेरे शोहर का नाम सैयद जिलानी है। उनको कल रात पीछे से मार के हमला कर दिए। इमरान, शमा बेगम और उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। मेरे को इंसाफ होना सर, मेरे को घर में मेरे कमाने वाले कोई भी नहीं है। मेरे को एक बेटा एक बेटी है। बेटी की शादी होके दूसरा साल, एक साल 8 महीने हो गया। वो उसके मेरे बच्चे के हस्बैंड को मेरे बहन के लड़के मारे, तो मेरे शोहर के नाम पे आया वो। क्यों, वो तो उन्होंने मारे नहीं थे, खाली इतना था उनका कि वो गाड़ी दिलाए थे बस, और कुछ भी ही नहीं है। मेरे को इंसाफ होना, हमारे पास अब हमारे कमाने वाले कोई नहीं है। अभी जितने लोग हैं हमारे थोड़े लोग भी इसमें शामिल है। और मेरे को ये जल्द से जल्द मेरे को इंसाफ होना सर, ऐसा क्यों करा वो? मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को कोई नहीं है। ये महबूब गार्डन के पास उसमें कितने जने इन्वॉल्व थे वो तो नहीं मालूम सर मेरे को। अभी तो फ़िलहाल इमरान, उसके अम्मी, उसके दो भाई अरेस्ट हुए हैं। अभी उनके वालिद और एक भावज है, वो लोग नहीं मालूम अभी मेरे को। दुश्मनी थी क्या? हाँ दुश्मनी थी। क्यों बोले तो वो उसके हमारे बच्ची की जो शादी हुई थी, दामाद था शेख सलमान, उसका मर्डर हुआ था 8 महीने पहले। तो उसका बदला लेने के लिए मेरे हस्बैंड को मारा उन्होंने। मगर मेरे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, खाली गाड़ी दिलाए थे और कुछ भी ये नहीं था। मगर उनको नाहक के मारा उन्होंने, बेगुनाह इंसान। क्या काम करते थे? किराना शॉप में काम करते थे गच्चीपली में। पहले डायमंड किराना स्टोर में करते थे, उसके बाद गच्चीपली पे काम करते थे। क्या नाम है इनका? सैयद जिलानी नाम है। उम्र कितनी रहती थी? 50। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होना, पूरी फैमिली अंदर होना। मेरे को मेरे देखने वाले कोई नहीं है। मेरे को एक बच्चा है, बच्चा जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिल रही बच्चे को। एक बच्ची है, एक नवासी है छोटी। हम लोग कैसा रहेंगे बताइए आप? ऐसा क्यों कराओ? उसको दुश्मनी थी, निकालना था, जो मारे थे उनसे निकालना था, फिर हम लोग से क्यों निकाला हो? हमारे थोड़े लोग भी है सर इसमें, मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकती। हमारे लोग भी इसमें थोड़े है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग वो महबूब गार्डन के पास ही रहते, वहाँ पर ही रहते, 7 टूम्स रोड में। सर आप प्लीज़ आप ये सब जल्द से जल्द करिए। आप लोग एक बहन समझ के मेरी मदद कीजिए सर। मेरे को कोई भी नहीं है, मेरे जने कमाने वाले थे। कल रात सैयद जिलानी, रेजिडेंट ऑफ नदीम कॉलोनी, रात में 11 बजे काम कंप्लीट कर लेके बस पे टोल चौकी आया। वहाँ से पैदल घर पर आ रहा था। उसमें दो उनको नॉन पर्सन्स बोल रहे हैं, अपने हिसाब से अभी नहीं मालूम। उन लोगों के साथ यहाँ पर पैदल यहाँ तक आ गए। फिर कार्नर आने के बाद भी और दोनों लोग उसके ऊपर हमला करके जख्मी कर दिया। तो फौरन पब्लिक देख लेकर वो भाग गए। तो ये फौरन अपने टैलेंट कॉल आने के फौरन तुरंत अपने स्टाफ पूरे यहाँ पर आ गए। यहाँ के चेक के उसको हॉस्पिटल भी दिया दिए थे। तो तब तक इसमें डेथ हो गया। सो रीज़न अभी तक मालूम पड़े सो हिसाब से इन्हों भी रायदुर्गम पीएस लिमिट्स में उसका दामाद का मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो वो सिलसिले में ये भी होने के चांसेस है। तो उसकी उनका वाइफ भी उसी तरह कंप्लेंट दिया है। तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करके इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है सब लोगों को अरेस्ट करके कानून के हिसाब से सज़ा दिलाने को आप वर्कआउट करेंगे।